राजा दशरथ जी पढ़ा रहे हैं। अरे दिखाई नहीं दे रहा तुमको, बगल से आ रहे, चिल्ला रहे कान के सामने। क्षमा कर दीजिए महाराज, जाओ यहाँ से। बहुत बिजी तुम्हें, ना जाने मेरे पुत्र राम का विवाह कैसे होगा, ना जाने उसकी पत्नी कैसी आएगी, घर में बहू कैसी आएगी। ट्रिंग 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 ट्रिंग। हेलो, राजा दशरथ जी बोल रहे हैं। जी आप कौन? हम आपका सुचिंतक बोल रहे हैं। बोलिए। बगल के गांव जनकपुर में एक प्रतियोगिता रखा गया है, वहां जो महान धनुष को तोड़ देगा उसका साथ सीता का विवाह किया जाएगा। जनकपुर में? जी। आप कौन? हम आपका सुचिंतक बोल रहे हैं। लगता है इस बार मेरे पुत्र श्री राम के लिए कुछ उपदेश है, इस बार उसके लिए कुछ अच्छा होने वाला है। लगता है इस विषय में अपने पुत्र से बात करना ही पड़ेगा मुझे। राम, पुत्र राम। जी पिताजी। तुम्हारे लिए कार्य है। जी पिताजी। जनकपुर में एक प्रतियोगिता है, धनुष प्रतियोगिता। उसमें उस धनुष को जो भन कर देगा उससे उसकी सीता से विवाह हो जाएगी। मैं जाऊंगा पिताजी, मैं वो धनुष का अवश्य तोड़ूंगा। यही उम्मीद था तुमसे। धन्यवाद पिताजी। चलो मेरे साथ। चलिए। हाँ लक्ष्मण। चलो लक्ष्मण हमारे साथ आओ। धन्यवाद धन्यवाद। अब हमारा विवाह लगता सीता से हो ही जाएगा। कैसा लग रहा है हमारा जोड़ी? दूसरा दिखाओ। विवाह संपन्न हुआ। ये क्या, विवाह होने के पश्चात भी तुम कोई कार्य नहीं कर रहे हो? अभी भी घर में ही बैठे हो। लगता है इस बार तुम्हें दंड देना ही पड़ेगा। राम, पुत्र राम। क्या हुआ पिताजी, सुबह सुबह नींद क्यों तोड़ दी आपने? तुम्हारा विवाह हो चुका है, अभी भी तुम्हें यही आलस है। क्या करूं पिताजी, कोई कार्य नहीं है करने को। कोई कार्य नहीं है? जी नहीं। लगता है तुमको इस बार दंड देना ही पड़ेगा। क्या दंड है पिताजी? जाओ 14 वर्ष के लिए वनवास। 14 वर्ष के लिए वनवास? हाँ 14 वर्ष के लिए वनवास। पिताजी मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, मैं निश्चय जाऊंगा। लक्ष्मण तुम चलोगे हमारे साथ? सीते तुम मेरे साथ जाके क्या करोगी? सीते चलो चलो हमारे साथ चलो। राम राम, अमर के हिरण पसंद है निया सो ना। तुमको वो हिरण पसंद आ गया सीता? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अवश्य लेके आऊंगा उसे। लक्ष्मण अपनी भाभी का ध्यान रखना। ठीक है भैया, आप जाइए। लक्ष्मण 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 भाभी। हाँ मैं सुनते पाचिया मास्टर। हाँ हाँ हम एक लकीर खींच के जा रहे हैं, अभी इस लकीर के बाहर मत जाना, हम भैया को लेके आते हैं। जाओ जाओ। बाड़ी के क्यों आचे आचे क्यों बाड़ी के है के
আমি এক ব্রাহ্মণ, কিছু খেতে দিন না মা। আচ্ছা ঠিক আছে, দাঁড়িয়ে থাকুন আমি আসছি। রেখার বাইরে এসে দাও মা। না না, আমার দেবর বলেছে এই রেখাটা পার করতে না। আমাকে অপমান, আমি তোমাকে অভিশাপ দেবো। তাহলে রেখার বাইরে এসে দাও। हम तो आ गए यहाँ पर। सीते कहाँ है? सीते नहीं दिख रही है। सीता भाभी माँ कहाँ हो? सीता लक्ष्मण भाई, भाई माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हमें भी नहीं मिल रहा। मुझे लगता है मैंने रावण की बहन का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए उसने सीता को उठा के ले लिया वो। हमें भी यही लगता है। रुको, लगता है सुपर हीरो को बुलाना ही पड़ेगा। सुपर हीरो, हेलो हेलो, हु इज दैट? हेलो सुपर हीरो हनुमान। या व्हाट्स अप ब्रो? मैं राम बोल रहा हूँ हनुमान। या व्हाट हैपेंड? तुम शीघ्र ही मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। ओके आई एम कमिंग। खुश रहो हनुमान, तुम शीघ्र ही मेरे लिए कार्य करो। लंका जाओ और सीता माता को छुड़ा के लेके आओ। वो रावण सीता माता का हरण करके ले गया है। As you said. और ये अंगूठी ले जाओ, उन्हें देना मेरी निशानी की ओर। Sita Mata, I came here to rescue you on behalf of Sri Ram. This is the ring. Oh. He will come. Hey, Mr. Giant, looks like the Ravan, yes? But I still need some proof. ये देखो मेरा आधार कार्ड और ये वोटर कार्ड, और कोई प्रूफ चाहिए? Fine, we have the problem with Mr. Lord Ram, not with the Mata Sita. मुझे उसका कॉन्टेक्ट नंबर दो, मैं उसको व्हाट्सएप से बात करूंगा। राइट, 1-7-3-3-14। ओके ओके, बाय। लेट्स कम विथ मी। हम लोगों ने फाइनली सीता माता को रेस्क्यू कर लिया लंका से, और हमारा एक्ट यहीं खत्म होता है। थैंक यू एवरीबॉडी।